क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए भूगोल का प्रश्न पत्र लाया हूं और ये 100% गारंटी लेता हूं कि ये इस प्रश्न से आपके बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे। 50 नंबर तक का एक ही वीडियो में कवर होगा, एक वीडियो में 50 नंबर का दावा है। यदि आप ए बी सी डी मेरे द्वारा बताए गए करते हो तो आपको 65 से 70 नंबर पूरे चांस रहेंगे, 70 तक, लेकिन एक दो रोंग चला जाएगा तो तब भी 65 से 70 के बीच में आपका पक्के नंबर है। चलिए, जिन बच्चों को वास्तव में चाहिए एक बार जरूर देखिएगा। पहला है, यहाँ पर कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया। किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया? भूटान। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूं। इनमें से एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन में इसका स्वामित्व होता है तो पूंजीवाद। ठीक है, भारत में नदियों की संख्या कितनी है? 10,360। तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका जाएगा यहाँ से, बढ़िया से कंप्लीट करना है, ये हो गया इतना। ठीक है भैया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो जाएगा। कुमारी ई सी सेपल अमरीकी देश की भूगोलवेत्ता है। लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष होती? तो 80 वर्ष होती है। दो लोगों को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है? बिहार है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। इसके बाद में यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट। हो गया इतना, ये आपकी सही जोड़िया जाएगी यहां पर। ट्रक कृषि सब्जियां पैदा करना। लोहा इस्पात उद्योग का जाएगा जमशेदपुर भिलाई। सबसे अधिक रेल घनत्व बेल्जियम। जनसंचार माध्यम का जाएगा रेडियो दूरदर्शन। सबसे छोटा धार्मिक समूह इसका जाएगा जैन धर्म। ये यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है। एक वाक्य में उत्तर है, फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे? विडाल डी ला ब्लॉस। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? जल की उपलब्धता, मृदा तथा जलवायु। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना, मैंने कहा ना आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप बढ़िया से, ये तो मैंने पूरी चीजें भर भी दी है और बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप इनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं ना। सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है? सत्य। दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है? सत्य है। तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, चौथा पांचवा भी सत्य रहेगा, छठा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। अगला देखिए, यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया, संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया? मानव भूगोल के किन्हीं चार भूगोल वेत्ताओं के नाम आपको बताने हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले तीन भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के उत्तरदायी विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण का वर्णन करना है। स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन दहन कृषि क्यों कहा जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? कुटीर एवं लघु उद्योगों की चार समस्याएं बताइए। कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाना है आपको। यहाँ से देखिए, मानव बस्ती का अर्थ बताना है, इसके प्रकार बताने हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। स्वेज नहर के तीन व्यापारिक महत्व बताना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। हो गया, 17 तक हो गया है प्रश्न। और इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 18, ये 19,
ये इसका थवा है और यहां पर क्वेश्चन नंबर ये अंतिम आपका 20 रहेगा, हो गया।